तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आज हम आप लोगों को एक हायर का रेफ्रिजरेटर के बारे में बताने वाले हैं। अगर आप भी जो है एक बेस्ट मार्केट में रेफ्रिजरेटर परचेस करने के लिए जा रहे हैं, ये वीडियो आप ही के लिए होने वाला है। और हम इसमें आपको ऐसा ऐसा इन्फॉर्मेशन देंगे जो यूट्यूब पर कोई भी नहीं दिया होगा। तो इस वीडियो में हम आपको और इन्फॉर्मेशन देंगे कि इस रेफ्रिजरेटर में जो है क्या क्या फैसिलिटी होता है, क्या क्या फीचर्स होता है, जो भी हम बताएंगे बिल्कुल सच बताएंगे। तो मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। आप वीडियो पसंद आए तो लाइक भी जरूर कीजिएगा। इसमें सारा चीज आपको बताने वाले हैं, इसका प्राइस कितना है वो भी बताने वाले हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब। चलिए फ्रेंड्स, इसके बारे में हम आपको इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। अगर कभी भी आप रेफ्रिजरेटर मार्केट परचेस करने के लिए जा रहे हैं तो आपको नॉर्मल जो इन्फॉर्मेशन हो पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये देखिए, ये आपको फर्स्ट में जो आता है स्टार रेटिंग। कभी भी अगर मार्केट में आप फ्रिज जो है परचेस करने के लिए जा रहे हैं तो आपको स्टार रेटिंग पर ही प्राइस लगाया जाता है। 5 स्टार का सबसे अधिक आपको रहेगा प्राइस और 1 स्टार का सबसे कम रहेगा। तो आप ये कन्फ्यूज हो जाते हैं कि हमारे लिए 5 स्टार बेस्ट रहेगा या 1 स्टार। तो हम बता देते हैं आपको, कोई भी स्टार लीजिए, 1 स्टार लीजिए या 5 स्टार रेफ्रिजरेटर लीजिए, ठीक है। उसका जो है आपको कूलिंग में कोई अंतर नहीं होने वाला है, ठीक है। कूलिंग में कोई अंतर नहीं होने वाला। तो अंतर होने वाला है क्या चीज़ में, जैसे कंपनी का जैसे कहना है। देखिए, ये 4 स्टार रेटिंग के साथ आपको रेफ्रिजरेटर आता है, ठीक है। 4 स्टार रेफ्रिजरेटर आता है। तो आप इसमें देख लीजिए, इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन 128 यूनिट्स पर ईयर। आप ये सोचिएगा ये है क्या। एक साल अगर इसे कंटिन्यू चलाते हैं तो कंपनी द्वारा ये टेस्टेड है कि आपको 128 यूनिट जो है बिजली खपत करने वाला है। तो ये कंपनी का कहना है, ठीक है। पर ये निर्भर इस पर करता है कि आप इसे उपयोग कैसे करते हैं, उपयोग कितना कर रहे हैं। जैसे देख लीजिए, इस पर लिखा रहता है यहाँ पे 128 यूनिट्स पर ईयर, एक साल कंटिन्यू चलाने पर। तो कंपनी का कि देखिए ये इतना ही यूनिट खपत करेगा, 128 यूनिट, ऐसा कोई बात नहीं है। ये आपको इससे अधिक भी बिजली खपत कर सकता है और इससे कम भी कर सकता है। तो स्टार रेटिंग का बस इतना मतलब होता है कि बिजली आपको कितना खपत करेगा, ठीक है। अब सेकेंड नंबर, आप कूलिंग में आपको कोई अंतर नहीं होने वाला है। देख लीजिए, यहाँ पे ब्रांड आपको हायर का मिलता है। मॉडल आपको देखिए, आपको यहाँ दिया गया है HRD-1954, ठीक है, 2022 का है। टाइप जो है आपको डायरेक्ट कूल। ये रेफ्रिजरेटर आपको डायरेक्ट कूल आता है, जिससे इसमें पावर सप्लाई देने के बाद ये आपको डायरेक्ट कूलिंग करने लग जाता है, ठीक है। ग्रॉस वैल्यूम इसका टोटल जो है 195 लीटर है और स्टोरेज वैल्यूम जो है 188 लीटर। नीचे आते हैं, देखिए वॉल्ट्स नंबर वन। चलिए, वो सभी कंपनी अपना अपना जो ब्रांडेड है वो आपको लिख देगा वॉल्ट्स नंबर वन, ऐसा कोई बात नहीं है। आपको जो पसंद आए, जो ब्रांड आपको अच्छा लगे वही आप परचेस करें। यहाँ पे देख लीजिए, एनर्जी सेविंग अप टू 10,800 रुपया। अब यहाँ पे देख लीजिए, 1 आवर आइस टेक्नोलॉजी। हायर की तरफ से कहना है इस रेफ्रिजरेटर में आपको 1 घंटा जो है बर्फ़ जमा के रख देगा, ठीक है। स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेटर, देखिए 135 से 290 वोल्ट तक, अगर आपके एरिया में जिस भी आप शहर में रह रहे हैं तो आपको 135 से 290 वोल्ट तक विथआउट स्टेबलाइजर का ये काम करेगा। इसमें स्टेबलाइजर का लगाने का आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हुआ कंटैक्ट टू होम इन्वर्टर, जैसे इसका जो है इसे आप घर के इन्वर्टर पर भी चला सकते हैं, इसे कंट्रोल कर सकते हैं। 10 ईयर्स ऑन कंप्रेसर वारंटी, देखिए यहाँ पे आपको 10 ईयर जो है वन ईयर देता है। ऑल प्रोडक्ट में क्या होता है, उसमें भी आपको गैस का वारंटी नहीं दिया जाता है, ठीक है। गैस का वारंटी नहीं दिया जाता, जैसे इसका बोले ये विथाउट स्टेबलाइजर का काम करेगा। तो इसमें जो पीसीबी बोर्ड लगा रहता है इसको कंट्रोल करने के लिए, वोल्टेज को कंट्रोल करने के लिए, उसका भी आपको वारंटी दिया जाता है। तो यही हो गया ऑल प्रोडक्ट, गैस को छोड़ के, और टूटने फूटने का वारंटी आपको नहीं दिया जाता है। तो इतना ये क्लियर है, इसी पर सारा इतना ही जो है फ्रिज में इसी का जो है आपको समझाया जाता है, और वो भी क्लियर आपको नहीं समझाया जाएगा, ठीक है। तो आप जो है वीडियो पर लास्ट तक बने रहे। अब ये रेफ्रिजरेटर के बारे में बात कर ले हम, तो ये 4 स्टार कूलिंग उतना ही आपको रेफ्रिजरेटर करने वाला है, और हायर का आपको यहाँ लोगो मिलता है। हमको इस रेफ्रिजरेटर में एक चीज़ बहुत अच्छा लग रहा है कि इसका जो है ग्लास लुकिंग है, ग्लास में क्या होता है स्क्रेच लगने का थोड़ा सा भी डर नहीं रहता है। घर में तो बच्चे लोग होते हैं जिससे आपको स्क्रेच लग सकता है, तो इसमें स्क्रेच लगने का डर नहीं है। और दूसरा में क्या है वो भी हम आपको दिखा देते हैं। ये रेफ्रिजरेटर का अगर बैक से आप देखते हैं तो बैक में जो है जाली इसमें नहीं लगा हुआ है,
तो जाली जो देखते हैं जाली नुमा, तो बहुत ही डस्ट उस पर जमा हो जाता है, तो इसमें जाली नहीं लगा हुआ है। और जाली अगर बाहर रहता है तो उसमें जो है गैस आपका लीक होने का खतरा। आप परचेस कर सकते हैं, किसी भी वेबसाइट पर जाकर परचेस कर सकते हैं। ये नहीं कि हम जो लिंक दे उसी से परचेस करें, आपको जहां मन हो वहां से आप इसे परचेस कर सकते हैं। इसका प्राइस कितना होने वाला है वो भी हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। ये देख लीजिए, ये नीचे जो है तो आपको ये हो गया आपको कंप्रेसर, इसी का आपको 10 ईयर जो वारंटी दिया जाता है, इसी का 10 ईयर आपको वारंटी दे दिया गया है। और जो है 1 ईयर आपको ऑल प्रोडक्ट वारंटी, तो वारंटी मतलब तो आप समझ गए, वो भी आपको होम सर्विस इसमें मिलेगा। हायर का बोले तो सर्विस भी आपको अच्छा देने वाला है। 48 आवर्स के अंदर जो है आपके घर पे टेक्नीशियन जो है इसका इंजीनियर घर पे पहुंच जाएगा। अब चलिए इसके इंटरनल थोड़ा हम आपको दिखा दें। तो देख लीजिए इसका इंटरनल हम ओपन कर रहे हैं, तो देखिए ये आपको इंटरनल मिल गया जो कि हर एक सभी रेफ्रिजरेटर में आपको सेम ही रहता है, थोड़ा सा अंतर कर देता है सभी ब्रांड में। ठीक है, यहाँ के नीचे से हम चालू करते हैं। इसमें छोटा साइज का बोतल, बड़ा साइज का बोतल, ठीक है, अंडा उंडा जो भी रखना है, मेडिसिन रखना है, सारा चीज़ आप इसमें जो है स्टोर कर सकते हैं इस साइड। यहाँ पे देख लीजिए ये जो है इसमें आपको दे दिया गया है, दो आपको इसमें मिलता है आइस मेकर और एक इसके साथ वारंटी पेपर, इसके साथ इसका लॉक के लिए कीस भी आपको इसमें दे गया है, चाबी भी इसमें आपको मिल जाता है। तो ये आपको संभाल के रखना है, 10 ईयर वारंटी है तो 10 ईयर तक आपको इसका वारंटी पेपर जो है संभाल के रखना होगा। और सेकेंड में हम आपको दिखा देते हैं, ये नीचे से ये आपको विजिटेबल बॉक्स हो गया जो कि सभी रेफ्रिजरेटर में सेम ही रहता है। यहाँ पे आपको टफेन ग्लास मिलता है, टफेन ग्लास, और ये नहीं सोचिएगा कि फूट जाएगा, ये आपको बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है, आप इस पर स्टोर कर सकते हैं, जितना चाहे आपको रख सकते हैं, ये फूटने वाला आपको नहीं है। ठीक है, तो इसमें आपको 3 जो है ये टफेन ग्लास मिलता है, इसे अपने उपयोग के अनुसार ऊपर नीचे भी आप इसमें सेटअप कर सकते हैं। ऊपर आ जाते हैं तो ऊपर में आपको देखिए मिल जाता है फ्रीजर, ठीक है, फ्रीजर आपको मिल जाता है, सॉरी फ्रीज, आइस बनाना हो या आइसक्रीम रखना हो जिसमें हमको अधिक कूलिंग चाहिए, ठीक है, तो वही आप इसमें स्टोर करें। विजिटेबल बॉक्स के लिए विजिटेबल नीचे है उसमें आप स्टोर कर दीजिए, फ्रूट भी आप उसमें रख सकते हैं, ऊपर में इसमें दूध जो भी आपको रखना है सारा चीज़ आप स्टोर कर सकते हैं, अपने उपयोग के अनुसार इसमें आप स्टोर कर सकते हैं। चाकू का ये ऊपर वाला जो है इसमें कभी भी आप चाकू का इस्तेमाल ना करें, अगर इसमें बर्फ़ जमता है तो ये बटन दिया रहता है, देखिए इसका उपयोग बहुत ही को नहीं पता है, तो दोस्तों इसका उपयोग होता है इसे 3 सेकेंड के लिए ऐसे पुश करके रख दीजिएगा, जितना भी इसमें बर्फ़ होगा वो पानी बन जाएगा, तो इसीलिए कभी भी चाकू या चम्मच का उपयोग नहीं करना है। इसको कुछ भी आप इसमें रखे हुए हैं तो उसको हटाने के लिए अगर आप उसमें बर्फ़ जमा हुआ है तो इसे 3 सेकंड के लिए आप पुश कर दीजिए, तो उसमें जितना भी बर्फ़ होगा वो पानी बन के इसमें स्टोर हो जाता है। इससे आपको पीछे में एक कंटेनर लगा रहता है उसमें जाके स्टोर हो जाएगा, देख लीजिए यहाँ पर लगा हुआ है, इससे पानी आपको इसमें जाएगा, इससे आपको पीछे में कंटेनर लगा हुआ है उसमें जाके स्टोर होगा, आप वहाँ से उसे पानी को हटा सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ डिफॉर्स बटन, ठीक है, इसे आपको पुश करना है जब इसमें बर्फ़ जमा हुआ हो, अगर आपका डोर नहीं खुल रहा हो तो, ठीक है, तो अपने उपयोग के अनुसार इसे आप उपयोग कर सकते हैं। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है विंटर मानसून समर, तो ठंड का मौसम है या बारिश का मौसम है और गर्मी का मौसम है, तो उस उपयोग के अनुसार अपने उपयोग के अनुसार इसे आप यहाँ से सेटअप कर सकते हैं, जो कि नॉर्मल है, आपके घर के मेंबर कोई भी इसे सेटअप कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसके प्राइस के बारे में बात कर लेते हैं, तो इसका आपको प्राइस जो पड़ने वाला है इसका, हम ऑफलाइन का आपको प्राइस बता रहे हैं, तो इसका ऑफलाइन को जो प्राइस है अभी आपको 19,400 रुपया में आपको ये ग्लास डिजाइनिंग के साथ और 4-स्टार रेटिंग के साथ ये रेफ्रिजरेटर आपको मिलने वाला है। हम आपको ये नहीं कह रहे हैं कि आप यही रेफ्रिजरेटर परचेस करें, आपको जिस ब्रांड का परचेस करना हो उस ब्रांड का आप परचेस कर सकते हैं। और एक बात और बता देते हैं, ये जो शॉप का नाम हो गया आपको ओम शिव शक्ति इलेक्ट्रॉनिक्स प्लाजा, आप अगर चाहें तो यहाँ से भी परचेस कर सकते हैं, ठीक है, इनका ऑल इन्फॉर्मेशन जो है हम
अपने डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहां जाकर आप चेक कर सकते हैं। इनका कॉन्टैक्ट नंबर भी हम उसमें डाल देंगे। तो अगर आपके एरिया में ये शॉप है तो आप यहां से भी परचेस कर सकते हैं। तो मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो मेरे चैनल को फ्रेंड्स सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और इसका प्राइस तो हम आपको बता दिए हैं, मात्र 19,400 रुपये में आपको परचेस हो जाएगा। और अगर ऑनलाइन परचेस करना चाहते हैं तो ऑनलाइन भी परचेस कर सकते हैं। इसका मॉडल डाल दीजिएगा, मॉडल हम आपको बता चुके हैं। देखिए यहाँ पे साइड में मॉडल लिखा हुआ है, यहाँ देख लीजिए HRD-1954CPG, ये इसका मॉडल हुआ। आप इसे ऑनलाइन भी परचेस कर सकते हैं, ऑफलाइन भी परचेस कर सकते हैं। और एक्सपीरियंस के बारे में बताएं, देखिए ये मॉडल मेरे पास नहीं है, हम अपने घर में खुद दूसरा मॉडल इसका उपयोग कर रहे हैं जो कि हायर का है। उसका जो है आपको कूलिंग जो है इसका बहुत ही आपको फास्ट करने वाला है। और सर्विस के बारे में बात कर लें तो आपको इसका सर्विस भी आपको अच्छा मिलने वाला है। 48 आवर्स के अंदर जो है आपको ये होम सर्विस दे देता है हायर। तो आप इसे परचेस कर सकते हैं और ये वीडियो मिलते रहेगा तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए अगले वीडियो मिलते हैं एक न्यू प्रोडक्ट के साथ।